हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रूमिंग विद गौरव। गाइस, अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पिंपल्स कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, और ये भी कहा था कि अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि पिंपल्स कैसे ठीक होंगे। तो यार, ये रेमेडी बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये रेमेडी मैंने कोई गूगल से या ऐसी कहीं से भी उठाई और बस आपके सामने परोस दी, ऐसा नहीं है। ये रेमेडी मुझे मेरी नानी जी ने बताई थी और भाई तुम यकीन नहीं करोगे, ये बिल्कुल 100% काम करती है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पिंपल्स हो गए थे ऐसे, और तुम रिजल्ट देख सकते हो। तो रेमेडी बहुत ही सिंपल सी है और आपको ये चीज़ें जो इसमें यूज करने जो चीज़ें यूज करेंगे वो भी कोई ढेर सारी नहीं है, बहुत ही कम चीज़ें हैं और जो आपके घर पर ही अवेलेबल होंगी। तो यार, इस रेमेडी में हम तीन स्टेप में काम करेंगे। जैसे पहला स्टेप है सप्रेस, दूसरा है पिम्पल ट्रीटमेंट और तीसरा है हीलिंग। मतलब ये ऐसे नाम से कोई बहुत बड़ा, जैसे हम किसी बहुत बड़े और भारी मिशन पे हैं, क्योंकि पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो नाम से ऐसा लग रहा है, बट ये मैंने खुद ही ऐसे स्टेप बना रखे हैं। जब आपको मैं बताऊंगा तो वो बहुत ही सिंपल से होंगे। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप है यार सप्रेस। अब सप्रेस क्यों करना है और कैसे करना है, देखो सब आपने क्या करना है, एक आइस क्यूब लेना है, उसको किसी कॉटन क्लोथ में या हैंकी में डालना है, और उसको फोल्ड करने के बाद जहाँ पर भी आपके पिंपल्स हैं वहाँ पर को टैप करना है। उससे आपने हल्के हल्के हाथों से टैप करना है। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा यह है ना कि आपको जैसे पिंपल्स में दर्द भी होता है कभी कभार, तो आपका वो दर्द ठीक होगा। मतलब जब आप ये जो आगे इसके बाद जो पिंपल ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहाँ पर आपको समझ आएगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, हल्के हाथों से अपने जहाँ भी आपका पिंपल्स वगैरह हैं वहाँ पर को टैप कर लेना है पूरे फेस पर, आइस क्यूब को किसी भी कॉटन क्लोथ में रख के, और ध्यान ये रखना कि आपका जो भी कॉटन क्लोथ है या हैंकी है वो साफ होना चाहिए। अब है दूसरा स्टेप, देखो बहुत ही सरल से है, बिल्कुल सिंपल से। अब दूसरा स्टेप है वो है पिंपल ट्रीटमेंट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने थोड़ा सा रोज वाटर लेना है और कॉटन से उसको पूरे फेस पर, मतलब उससे जहाँ जहाँ आपके पिंपल्स हैं वहाँ पर को उससे, मतलब ना नहीं है ऐसे साफ़ करने के लिए यूज़ होगा, मतलब हम सफाई कर रहे हैं अभी। तो आपने जहाँ जहाँ भी आपके पिंपल्स वगैरह हैं वहाँ पर को आपने साफ़ कर लेना है रोज़ वाटर से, ठीक। अब क्या है, अब आपने लेना है, अब आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पर। तो आपने एक छोटे से बाउल में आधा चम्मच हनी और 2 स्पून लेमन जूस लेना है। तो लेमन जूस ये रखना कि फ्रेश हो बिल्कुल, तो एक नींबू से हो जाएगा आपको, ऐसे एक नींबू काटो और उससे बस 2 चम्मच जूस तो निकल जाएगा। तो उसको ना बढ़िया से मिक्स कर लेना, बाउल में मिक्स कर लेना है आपने, और उसके बाद मिक्स करने के बाद जब वो उसका एक लेप जैसा बन जाएगा तो आपने वो अप्लाई करना है अपने पिम्पल्स पर, जहाँ जहाँ भी आपके पिम्पल हो रहे हैं। तो वहाँ पर आपने क्या करना है, वो जो आपने मिक्सचर बना लिया है उससे एक लेयर जैसी चढ़ा देनी है हर पिंपल पे। जैसे आपके यहाँ पर पिंपल है तो आपने क्या करना है, वहाँ पर एक लेयर जैसी चढ़ा देनी है। तो सारे पिंपल्स ऐसे लेयर चढ़ा देनी है उस पर, और एक चीज़ का ध्यान रखना कि एक ही उंगली से सारे पिंपल्स पर ये मिक्सचर यूज मत करना, हर पिंपल पर अलग अलग उंगली से करना, या हर बार अपनी उंगली को साफ़ कर लेना। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार जैसे आपके इस पिंपल के बैक्टीरिया दूसरे पे, दूसरे के तीसरे पे, मतलब पूरे फैल जाएंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये करना कि सारी मतलब अलग अलग फिंगर्स का इस्तेमाल करना, ठीक। ये हो गया। अब आपने जो ये लेयर चढ़ा दी है इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक के लिए छोड़ देना है। छोड़ दिया, अब आपने फेस वॉश कर लेना है साफ ठंडे पानी से। उसके बाद अब आती है तीसरी ट्रीटमेंट, जो तीसरा स्टेप है वो है हीलिंग। अब क्योंकि अभी आपने इससे पहले पिंपल ट्रीटमेंट किया, अब आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ये कि आपके जो पिंपल है ना, मतलब जो उसका असर है उसको हील करने के लिए, मतलब जैसे आपके दर्द हो रहा है या पिंपल पे मतलब कुछ भी है, तो उसको हील करने के लिए ये तीसरा स्टेप है। यहाँ पर आपने एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल आप मतलब सीधे एलोवेरा के पौधे से भी ले सकते हो, अगर पौधा नहीं है तो आपके पास जेल ले सकते हो आप। उससे हर जगह पर जेल लगा देना है सारे पिंपल्स पर। तो ये हो गई, और ये जेल को मतलब आधे घंटे के लिए कम से कम छोड़ देना और फिर फेस वॉश कर लेना। अब आप भी देखोगे कि आपके मतलब एक दिन में लगभग आपका ये सही हो जाएगा। और सबसे बढ़िया टाइम है आप ये रात को यूज करो, और वो जो एलोवेरा जेल है उसको वैसे ही लगाए रख, उसको रात भर के लिए छोड़ दो। तो आप सुबह देखोगे कि आपका पिंपल ना पूरा जो मतलब उसमें जो बाउंस होता है वो बिल्कुल बैठ चुका होगा, और आपकी एक
प्लेन हो जाएगा, मतलब आपका फेस एकदम क्लियर हो जाएगा। स्पॉट जाने में कुछ दिन लगेंगे क्योंकि आपने वो हाथों से नहीं फोड़ा है, इसलिए उसका स्पॉट देर तक नहीं रहेगा, उसका स्पॉट खुद ब खुद विद इन अ वीक चले जाएगा। तो यार ये सिंपल से 3 स्टेप थे और बहुत ही आसान है ये होम रेमेडी, आपकी बिल्कुल काम आएगी। मैंने खुद इस्तेमाल किया, मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी ये वाली कि मेरे पिंपल्स कैसे हो गए थे और अभी देखो बहुत हद तक ठीक हो चुके हैं। तो आपके भी ज़रूर काम करेगा और जब काम करेगा ना, मैं उसके बाद ही वीडियो को लाइक करना और उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करना। सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग और होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी कि पिंपल्स कैसे होते हैं तो वो भी ज़रूर देख लो यार, तभी आपको समझ आएगा पिंपल्स कैसे होते हैं और फिर ये वाली वीडियो अच्छे से समझ आएगी कैसे ठीक होते हैं। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।